ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये कोई भी जैसे मीनार या कोई 50 स्टोरी बिल्डिंग या कोई भी पिलर, कोई ऊंचा पिलर हो, अगर हम इसकी हाइट मेजर करना चाहें तो हम इसकी हाइट कैसे मेजर कर पाएंगे। इसकी हाइट मेजर करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री हेल्प से इसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं। बिना उसके ऊपर चढ़े या बगैर हम उसके ऊपर क्लाइम किए हुए हम 50 स्टोरी बिल्डिंग या कोई भी ऊंची से ऊंची मीनार या क्या कहते हैं टावर, कोई भी चीज़ ऊंची से ऊंची हो, हम उसको बगैर चढ़े बगैर क्लाइम किए ही हम क्या कहते हैं उसकी हाइट मेजर कर सकते हैं। ये सबसे मतलब जो है ब्रॉड एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का, सबसे ज्यादा यूज इसका यही है ट्रिग्नोमेट्री में कि हम इसका हाइट मेजर कर सकते हैं। बस खाली आपको एंगल पता हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में गए घूमते हुए, दिल्ली में क्या है वो कौन सा मीनार है, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार से कुतुब मीनार की कुछ डिस्टेंस पे खड़े हो जाइए, आप उस डिस्टेंस को नाप लीजिए और जिस एंगल को आप उसको देखेंगे उसके क्या नाम है शीर्ष को, क्या बोलते हैं उसको, अरे जो उसका शीर्ष होता है, जो उसका सबसे ऊंचा ऊंची चीज होती है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ उसकी पीक, अगर आप उसको देख रहे हैं कितने एंगल से देख रहे हैं ये मालूम होता है। हम किसी चीज को अगर सबसे कोई चीज ऊंचाई पे है और उस ऊंचाई चीज को हम कितने डिग्री पे देखते हैं ये हमें मालूम होता है, उसके भी है इंस्ट्रूमेंट है, आप कितने एंगल पे देखते हैं ये चीज मालूम होता है। तो अब आप बताइए अगर आपको एंगल पता हो जाए और कितने डिस्टेंस पे आप खड़े हैं मीनार के, तो मीनार के वो डिस्टेंस पता है, वो एंगल पता है, तो बताइए हाइट कितनी आएगी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर 10 थीटा, भाई परपेंडिकुलर ही तो हाइट होगी क्योंकि एंगल का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, एंगल का एंगल जो है एक्यूट एंगल जो थीटा मानेंगे या जो भी एंगल होगा उसका अपोजिट साइड आपका परपेंडिकुलर होगा और जो हम जो हमारा गिवन है वो बेस है। इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर 10, जो भी एंगल हो 10 30 10 45 10 60, उससे हम ये हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो ऊंचाई और दूरी यानी हाइट और डिस्टेंस एक बहुत ही ट्रिग्नोमेट्री का एक ब्रॉड एप्लीकेशन है, इसका बहुत ज्यादा यूजेस है ना। तो इसमें चलिए हम आज इसको स्टार्ट करते हैं और इसमें कुछ चीजें सीखते हैं कि इसका प्रोसेस कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे इसमें हम स्टार्टिंग करते हैं। इसमें दो चीज़ें आती हैं, एंगल बनाने में दो चीज़ें आती हैं, जैसे आप जमीन पे खड़े हैं और अपने मकान को देख रहे हैं, भाई आपका मकान है 3 तल्ला या 4 तल्ला या 5 तल्ले की बिल्डिंग आपकी है, ठीक है, आप खड़े कहाँ हैं, जमीन पर, मकान कहाँ है, जमीन के ऊपर है। तो मान लिया जाए आपका मकान ये है, मान लिया जाए ये आपका मकान है, ये आपका मकान है, तो ये आपका मकान है, ये आपकी जमीन है, ये लैंड है, आप यहां खड़े हैं, यहां पे आप खड़े हैं, या मान लीजिए यहां पे आप सेट हैं, यहां आप खड़े हैं यू यू मान लेते हैं, और यहां इस मकान ये जो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग इस बिल्डिंग के इसको देख रहे हैं आप, ये आपको ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी आप खड़े कहां हैं, आप खड़े नीचे हैं जमीन पर खड़े और देख कहां रहे हैं, हैं मतलब बिल्डिंग के सबसे ऊपर कोई ऑब्जेक्ट, सबसे ऊंची कोई ऑब्जेक्ट है, आप उसको देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, यानी आप नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, बिलो अप अप, हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं, तो नीचे से ऊपर देखने के लिए हम जिसको देखते हैं यहां से एक लाइन ड्रा करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं लाइन ऑफ साइट, क्या कहते हैं जिसको देखते हैं यहां पर एक लाइन, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट ड्रा कर दीजिए, और ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल
ये हॉरिजॉन्टल लाइन, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक लाइन ऑफ साइट ड्रा करती है। हम देख रहे हैं नीचे से ऊपर, यानी जमीन पे खड़े हैं, ऊंचाई पे देखते हैं। तो जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल थीटा, ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। इसका मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन तब बनता है जब आप कहीं नीचे खड़े हो और किसी ऊपरी चीज को देख रहे हैं। अभी हमने कहा आप जमीन पे खड़े हैं और क्या नाम है, आप अपनी बिल्डिंग की ऊंचाई को देख रहे हैं, वहां पे कोई आप देखते हो उसको देख रहे हैं। कभी ऐसा होगा, यहाँ तो बहरहाल ये सिटी आपकी मेट्रोपॉलिस सिटी नहीं है, मान लीजिए आगरा में आप हूँ, आप अपनी ऊंची बिल्डिंग पे खड़े हो, छत पे, छत के ऊपर चले जाइए, मान लीजिए 5 तल्ला बिल्डिंग, आप उसके ऊपर चले जाइए। जब उसके ऊपर जाएंगे और तब ताजमहल को देखेंगे, ताजमहल तो काफी काफी ऊंचा है ना, तब वहां से फिर आपका एंगल बनेगा। तो वहां से भी क्या बनेगा, वही एंगल बनेगा, वहां भले से आप 5 तल्ला बिल्डिंग पे खड़े हैं और आप ताजमहल को देख रहे हैं सपोज कर लिया, तो ताजमहल तो और ऊंचा है ना, तो आप उसे देख रहे हैं, तो उससे भी एंगल जो बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन। जब आप नीचे से ऊपर देखेंगे, तो चाहे आप जमीन पर हो और चाहे किसी ऊंची चीज पे हो, चाहे किसी ऊंची बिल्डिंग पर हो, कहीं पे भी हो, वहां से जो एंगल सबटेंड होगा उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना, ठीक, एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरी चीज मान लिया जाए नीचे से ऊपर, अब अगर मान लिया जाए कि अगर ऑब्जेक्ट यहां पे, हम ऑब्जेक्ट यहां बना देते हैं, मान लिया ये ऑब्जेक्ट यहां, ऑब्जेक्ट यहां नीचे, ऑब्जेक्ट नीचे है और ये आप मान लीजिए यहां पे, आप यहां है, यू यहां, यहां, ठीक है ना। अब यहां से इस ऑब्जेक्ट, यानी अब आप क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे देख रहे हैं। जब ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो जिसको देख रहे हैं यहां पे एक लाइन ड्रा कर रहे हैं, इसको हम क्या कहेंगे, लाइन ऑफ साइट, और यहीं से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं, जहां से देखते हैं वहीं से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन कहां से ड्रा करते हैं, जहां से हम देखते हैं, हम यहां से देख रहे हैं ना, तो यहां से जिसको देख रहे हैं एक लाइन यहां ड्रा करती है और यहीं से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करती है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रा कर दिए, अब ये एंगल जो बना, इस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इस एंगल को हम एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अब ये बात समझ में आ गई कि अगर हम ऊंचाई से, अगर कोई चीज ऊंची है और नीचे देख रहे हैं, ऊंचाई से अगर हम नीचे देख रहे हैं, तो आपका जो एंगल बन रहा है उसे क्या कहेंगे, उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए एक चीज और, यहाँ पे हम लाइन ड्रा करते हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं, तो ये थीटा है, ड्रा कीजिए, तो ये एक तरह का ये भी थीटा हो जाएगा और एक तरह का ये एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर हो गया ना, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। अब आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल है, और जब दो हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल होता है, ये आपका एक तरह का टू पैरेलल लाइंस स्कैन बाय ट्रांसवर्सल, अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट करता है, तो ये अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स आर, तो आप ये कह सकते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल एंगल ऑफ एलिवेशन बाय अल्टरनेट एंगल्स। आप कह सकते हैं क्यों ऐसा, तो आप कह सकते हैं बाय अल्टरनेट एंगल से, अल्टरनेट एंगल से क्यों लगा, क्योंकि ये दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल है और ये लाइन कट, लाइन ऑफ साइट एक ट्रांसवर्सल है, और इफ टू पैरेलल लाइंस इज कट बाय ट्रांसवर्सल देन अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल।
ओवर एंगल ऑफ डिप्लेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइट एंड डिस्टेंस का एक कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है, जब आप नीचे से ऊपर कोई चीज देखते हैं। और एंगल ऑफ डिप्लेशन कब बनता है, जब ऊपर से नीचे किसी चीज को देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्लेशन बनता है। राइट कर लीजिए फिर आगे। देखिए मान लिया जाए आप लोग दिल्ली में हो, एक एग्जांपल हम बताते हैं। एग्जांपल के मान लीजिए आप लोग दिल्ली में हैं, कुतुब मीनार के करीब में है, और ये कुतुब मीनार की हाइट है, ये मीनार ठीक है ना। और यहाँ पे आप किसी बिल्डिंग पे, मान लीजिए किसी भी बिल्डिंग के सबसे ऊंचाई पे यहाँ पे खड़े हैं और ये आपकी जमीन है। ये आप मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि आप दिल्ली में हैं, युसरा साहब भी हैं, प्रांजलि साहब भी हैं। ये आप कुतुब मीनार है और यहाँ के पास में आप किसी ऊंची बिल्डिंग पे यहाँ पे आप खड़े हैं, ये बिल्डिंग है, ऊंची बिल्डिंग पे आप खड़े। अब यहां से आप इसको देख रहे हैं, इसके टॉप को, ये टॉप। अब यहां इसके टॉप को देख रहे हैं तो आप बताइए कौन सा एंगल बनेगा। आप कहां से देख रहे हैं, ये नीचे इसको देख रहे हैं, यहां देख रहे हैं, ठीक है। तो अब आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं कि नहीं, कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आपका हो गया लाइन ऑफ साइट, और ये जो ये लाइन हो गया वो हॉरिजॉन्टल, ये लाइन ऑफ साइट, और ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल। और ये जो एंगल बना वो कौन सा एंगल बना, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है ना, समझ गए। मान लीजिए यहां से आप इसके टॉप को देखिए, ये टॉप है, और ये देखिए मीनार का ये बॉटम है, ये हिस्सा जो नीचे वाला है ये बॉटम, ठीक है ना। अब मान लीजिए आप यहां से इसके बॉटम को देख रहे हैं, नीचे बॉटम, ठीक है ना। तो अगर आप यहां से इसके बॉटम को देख रहे हैं तो ये एंगल मान लीजिए अल्फा बन गया, तो ये कौन सा एंगल, एंगल ऑफ डिप्लेशन। ये बना आपका एंगल ऑफ डिप्लेशन, और अभी आपने कहा ये एंगल ऑफ डिप्लेशन और ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना हुआ है, अल्टरनेट एंगल, ठीक है, अल्टरनेट एंगल से इक्वल हो जाएगा। तो एक एग्जांपल बनाएंगे इस तरीके से, आप डायग्राम आपके क्वेश्चंस में है कि आप किसी ऊंची मीनार को एक ऊंची बिल्डिंग से आप देख रहे हैं, टॉप को देख रहे हैं तो एलिवेशन बन रहा है, और बॉटम को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्लेशन। इस तरह का भी डायग्राम आपको मान लीजिए रुचि साहब हैं, एग्जांपल टू रुचि साहब से हम लेते हैं। ये रुचि साहब का सूर्य इंटरनेशनल स्कूल है भाई, काफी ऊंची बिल्डिंग है, काफी मतलब जो है बढ़िया स्कूल भी है। तो ये मान लिया जाए ये स्कूल की ऊंची बिल्डिंग, हाई बिल्डिंग, ऊंची बिल्डिंग माने हाई बिल्डिंग, वो ऊंची बिल्डिंग माने। और ये आपका मान लीजिए यहाँ रुचि साहब है, यहाँ पे यू, ठीक है। अब यहाँ इस बिल्डिंग के ऊपर एक तिरंगा झंडा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, तिरंगा झंडा लगा हुआ है ना, तिरंगा झंडा लगा हुआ है। और ये झंडे का ये क्या है, ये फ्लैग का टॉप पोर्शन है और ये फ्लैग का बॉटम। इस तरह का भी क्वेश्चन है, ये फ्लैग का टॉप है, ये फ्लैग का बॉटम है। अब आप इसको पहले टॉप को देख रहे हैं, ये टॉप को देख रहे हैं तो एंगल अल्फा बन गया, एंगल ऑफ एलिवेशन। बॉटम को देख रहे हैं तो ये आपका एंगल क्या बन गया, ये आपका बीटा बन गया, ये भी आपका एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा, ये एंगल ऑफ
ये भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बीटा, बस फर्क ये होगा कि अल्फा जो है बीटा से बड़ा होगा। नहीं, ये टॉप को देखेगा तो बड़ा एंगल बनेगा और उसके नीचे बॉटम है उसको देखेगा तो एंगल क्या बनेगा, छोटा एंगल। तो दो एग्जांपल ये हमने बताए, एक एग्जांपल और दे दीजिए, एग्जांपल एग्जाम्पल थर्ड मान लिया जाए एक ऊंची बिल्डिंग है या एक पुल मान लिया जाए, एक कोई पुल है, एक पुल है और मान लीजिए ये नदी किनारे का पुल है, नदी का भी पुल होता है, नदी क्रॉसिंग करने के लिए भी पुल बनाए जाते हैं, एक पुल है और पुल में मान लीजिए एक क्या नाम है मौर्य जी को खड़ा कर देते हैं, कोई नहीं पुल को खड़ा कर दिया जाए ताकि मौर्य जी मान लीजिए गोरखपुर जो है वो पुल पे खड़े हैं और नदी नीचे बह रही है, मान लीजिए उधर से शिप आ रहा है, सपोज कर लिया जाए, इमेजिन देखो जैसे इमेजिन ही है इस टॉपिक में, कहीं कोई मतलब कोई चीज इसको इमेजिन ही करके समझाया जा सकता है। मान लीजिए मौर्य जी गोरखपुर के पुल पे खड़े हैं और क्या कहते हैं नदी है, नदी का पानी है और वहां से शिप आ रहा है, इधर से शिप आ रहा है, तो शिप पहले मान लीजिए ये पी पॉइंट पे शिप है, ये शिप मान लेते हैं यहाँ पे इस डायरेक्शन में शिप आ रहा है, तो यहाँ पे मौर्य जी है, इसको यहां से इसको देख रहे हैं, इसका मतलब ये एक लाइन ऑफ क्या होगा साइड और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन, तो शिप का डायरेक्शन इधर है, तो मान लीजिए कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद ये शिप यहाँ आ गया, तब यहां से मौर्य जी जब देख रहे हैं तो ये यहां पे आपका एंगल बीटा बन गया, क्या बन गया, और ये अल्फा इस अल्फा के बराबर होगा और ये बीटा इस बीटा के बराबर होगा, बताइए बड़ा कौन सा एंगल होगा, बीटा, बीटा के करीब में ये मान लीजिए आर, यस, इसका मतलब इस केसेस में आपका बीटा जो है ये मोर होगा अल्फा से, ऐसे भी डायग्राम बनेगा, इसकी मैंने आपको बता दिया, नहीं बताया इसका भी तरीका मैंने बता दिया कि बीटा जो है यहाँ पे जो ये जो है यहाँ पे जो करीब होगा ये एंगल बड़ा होगा और ये जो दूर होगा वो एंगल कम होगा, इसके पहले भी मैंने इसके डायग्राम में दिखाया था कि इस तरह के डायग्राम में जो एंगल ये जो मतलब जो है ये जो हाइट है जो ये बिल्डिंग है या पुल है इसके करीब में जो एंगल बनेगा वो क्या है वो ज़्यादा एंगल बनेगा और जो दूर रहेगा वो एंगल कम, ये चीज़ याद रखिएगा, ये कभी मतलब चीज़ नहीं होती, यहाँ कम एंगल बने यहाँ ज्यादा एंगल बने ये कभी नहीं हो सकता संभव, ठीक है ना। मान लीजिए एक एग्जांपल और बताता हूँ, चार केसेस का एक एग्जांपल और, आपका ये टॉपिक लगभग लास्ट है, अब कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। मान लीजिए कोई समंदर है और कहीं चोटी है, कभी कभी एक क्लिफ होती है समंदर के कहीं किनारे चोटी, वहीं पे मान लीजिए मौर्य जी खड़े हैं समंदर में घूमने गए गोवा या आजकल देखिए गुजरात के पास पोरबंदर, पोरबंदर भी समंदर किनारे है, गुजरात महाराष्ट्र केरल कुछ ऐसे हैं जो ऐसे नसदी नसीन सब किनारे किनारे समंदर किनारे किनारे हैं, इधर से भी उधर से उस साइड से ठीक है ना, चाहे साउथ जाए चाहे उसमें, चलिए मान लीजिए एक क्लिफ है एक चूट है क्लिफ और एक शिप है, ये समंदर है पूरा इलाका ये समंदर है, तो मान लीजिए इस यहाँ से क्लिफ से ये यहाँ पे शिप है, यहाँ से इसका एंगल आपका बना और ये कुछ समय के बाद यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे इसका एंगल बना, ठीक है ना, तो इसका एंगल यहाँ पे अल्फा है, इसका एंगल यहाँ पे बीटा है और यहाँ से वो देख रहा है, ये आपका लगभग बीटा बनेगा ये आपका अल्फा बनेगा, सही है, यहाँ से देख रहा है यहाँ पे शिप है यहाँ से देख रहा यहाँ अल्फा बना और यहाँ पे शिप रहेगा तो यहाँ से बीटा एंगल बना, अल्टरनेट एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, इस तरह के भी डायग्राम आपको करेंगे और हर डायग्राम के साथ हमें हमेशा